फॉरवर्ड स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं थॉरली एनजाइम्स को तो स्टूडेंट्स आपके पास आप ऑलरेडी जानते हैं कि एनजाइम्स बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं यानी कि ये या आपकी बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको ये स्पीडअप कर रहे होते हैं दे आर सबस्टेंसिस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ कैमिकल रिएक्शंस विद इन लिविंग बीग्स यानी कि आपके अंदर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को वो ज़्यादा कर देते हैं दे आर बाय एन लार्ज स्पेसलाइज्ड प्रोटीन्स इन नेचर यानी कि आपके पास इंजाइम्स केमिकली प्रोटीन्स होते हैं इन नेचर आगे चलते हैं स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि एंजाइम्स का कैसे केमिकल रिएक्शंस के साथ ताल्लुक़ है स्टूडेंट्स आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं या एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उन तमाम सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म तो स्टूडेंट्स आपके पास मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स हैं यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो तरह के हो सकते हैं एक वो स्टूडेंट्स जो एनर्जी जनरेट कर रहे होते हैं एक वो जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास एक टाइप के रिएक्शंस होते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन जो कि एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं और जो एनर्जी रिलीज़ कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन स्टूडेंट्स एनाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनके नतीजे में हम स्मॉल या सिंपलर यूनिट्स से बड़े मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं यानी कि सिंपल यूनिट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कम्पलेक्स सबस्टांसिस विद द कंजंपशन ऑफ एनर्जी सच रिएक्शन आर कॉल्ड एज एनाबॉलिक रिएक्शन साथ में स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन स्टूडेंट्स द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक रिएक्शंस आर सो कॉल्ड द रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ लार्ज लार्जर माइक्रोमोलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन अलोंग विद द रिलीज़ ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एज कैटाबॉलिक रिएक्शंस तो स्टूडेंट्स आपके पास अगर हम कैटाबॉलिज्म की बात करें तो आपके पास आता है द हाइड्रोसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में जब भी कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोसिस हो रहा होगा एज अ रिजल्ट एनर्जी जनरेट हो रही होगी जब एनर्जी जनरेट हो रही होगी इट मीन्स कि आपके पास कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास जो एनजाइम्स हैं वो इन दोनों तरह के क्स को स्पीडअप कर रहे होते हैं चाहे वो एनाबॉलिक रिएक्शन हो या कैटाबॉलिक रिएक्शन हो यानी कि डायरेक्टली आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रहे होते हैं आगे स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि एक एंजाइमेटिक रिएक्शन कैसे हो रहा होता है तो हम इस चीज को इस तरह देख सकते हैं बाय सीरीज ऑफ रिएशन तो स्टूडेंट्स आपके सामने है एक रिएक्शन जिसमें आप देख सकते हैं कि एंजाइम रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है साथ में इंटरमीडिएट जनरेट करता है इंटरमीडिएट इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एंजाइम जब भी किसी रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है एज ए रिज़ल्ट एक कॉम्प्लेक्स जनरेट करता है उस रिएक्टेंट को हम कहते हैं सबस्ट्रेट यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और जब स्टूडेंट्स एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट के अंदर तो उससे डिटैच हो जाता है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं तो स्टूडेंट्स जिस पोजीशन पर एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में ज्वाइन होते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ इंटरेक्शंस उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम ये हो गई स्टूडेंट्स एक्टिव एंजाइम अब स्टूडेंट्स आपके पास एक एंजाइम के अंदर प्रोटीन पार्ट होते हैं और नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स आपके पास जो एंजाइम है एज अ होल आप उसको कह रहे होते हैं कि वो होलो एंजाइम और स्टूडेंट्स आपके पास कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच हो जाए एंजाइम के अंदर एज अ रिज़ल्ट स्टूडेंट्स एक पूरा रिएक्शन कैरी आउट हो रहा होता है तो स्टूडेंट्स आपके पास एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए दो तरह के मॉडल्स रखे गए एक स्टूडेंट्स आपके पास था लॉक लॉकन की मॉडल जिसको आप डिस्कस कर चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासेस के अंदर भी देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है इंड्यूस फिट मॉडल स्टूडेंट्स आपके पास लॉक लॉकिन की मॉडल एम आई एल फाइशर ने दिया था स्टूडेंट्स वो ये कहता था कि आपके पास जो सब्स और एंजाइम है वो लॉक इन की तरह बिहेव करते हैं यानी कि एक स्पेसिफिक की होती है एक स्पेसिफिक एंजाइम के लिए यानी कि हर रिएक्टेंट एक स्पेसिफिक एंजाइम के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स जनरेट करता है एंड देन आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है यानी कि स्टूडेंट सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि हर सबस्ट्रेट या हर रिएक्टेंट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम है उसके अलावा वो सबस्ट्रेट किसी और एंजाइम के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता तो स्टूडेंट्स ये जो लॉक इन की मॉडल था ये इतना अफेक्टिव नहीं था इसके बाद आया इंड्यूसफेड मॉडल स्टूडेंट्स डैनियल कौशलर ने ये मॉडल रिप्रेजेंट किया डैनियल कौशलर ने ये कहा कि ऐसे नहीं होता कि देयर इज अ स्पेसिफिक सब्स्टेट फॉर एवरी एंजाइम उसने कहा कि एंजाइम अपने आप को सब्स्टेट के अकॉर्डिंगली मोल्ड करता है जैसे कि आप अपने सामने एक एंजाइमेटिक रिएक्शन के अंदर देख सकते हैं एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स होता यह है कि जब भी कोई सब्स्टेट आता है एंजाइम उसको उसकी शेप ले लेता है या उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को मोल्ड कर लेता है एज ऐ रिजल्ट आपके पास बनता है एंजाइम सब्सटेट कॉम्प्लेक्स और अकॉर्डिंगली आपके पास प्रोडक्ट जनरेट हो रही होती है स्टूडेंट्स उसके अलावा आप एक और बात याद रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक सब्सटेट स्पेसिफिक एंजाइम के लिए नहीं है ऐसा है लेकिन बाय एंड लार्ज इंड्यूस फेड मॉडल ज़्यादा एक्सेप्टेबल है देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंजामेटिक एक्टिविटी अब स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि हम सबस्ट्रेट को रिएक्टेंट के तौर पे लेते हैं स्टूडेंट्स जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे होते हैं एंजाइम एक्टिविटी को वो आपके पास टेम्परेचर भी हो सकता है वो आपके पास पी भी हो सकता है वो आपके पास रिएक्टेंट कंसनट्रेशन भी हो सकती है सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर को स्टूडेंट्स हमने अपनी लोअर क्लासेस में पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ज़्यादा होने लग जाता है यानी कि स्पीडअप हो जाता है रिएक्शन कोई भी केमिकल रिएक्शन तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा होता है बायोकेमिकल रिएक्शंस को यानी कि जैसे जैसे आपकी बॉडी टेम्परेचर गेन करने लगती है वैसे वैसे आपका जो रिएक्शन है वो ज़्यादा होने लगता है लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एनिमल बॉडी का जो बेस्ट टेम्परेचर है जिस पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन होता है किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे का किसी भी मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन का वो होता है 37 सेवन डिग्री सेल्सियस यानी कि ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिसके ऊपर रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन मैक्सिमम होता है यानी कि अगर बॉडी का टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा तो एनजाइम्स वर्क नहीं करेंगे एनजाइम्स क्या हो जाएंगे डी नेचर हो जाएंगे स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके एंजाइम्स को एक स्पेसिफ़िक कंडीशन चाहिए होती है सही तरीके से काम करने के लिए ये सही तरीके से कैटेलाइज करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शंस को तो स्टूडेंट्स वो उन कंडीशंस में सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर भी है वो इसलिए क्योंकि ऑप्टिमम कंडीशन पर यह अपने बेस्ट फॉर्म में होते हैं या बेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन में होते हैं लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो तो आपके पास एंजाइम्स क्योंकि प्रोटीन इन नेचर है तो प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स डिस्टरप्ट हो जाता है यानी कि मैं कह सकती हूँ कि आपके पास एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं आगे चलते हैं स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं अनदर फैक्टर जो कि अफेक्ट कर रहा होता है रेट ऑफ अ बायो केमिकल रिएक्शन यानी कि बायो कैटलिकल रिएक्शन को स्टूडेंट सब्सटेट कंसनट्रेशन सब्स्टेट कंसनट्रेशन यानी कि रिएक्टेंट कंसनट्रेशन अब स्टूडेंट्स ये भी बात आपकी अच्छी तरह के... से नॉलेज में है कि जितने ज़्यादा रिएक्टेंट होगा उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्ट जनरेट होगी तो स्टूडेंट्स जितना ज़्यादा रिएक्टेंट होगा जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे जितने ज़्यादा आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्ट जनरेट होगी लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपके पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आपके पास डिएप्टन की कंसनट्रेशन इंडिपेंडेंट हो जाएगी यानी कि आपके पास जो एंजाइम एक्टिविटी है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी या रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट हो जाएगा टू दैट ऑफ सब्सिट कंसनट्रेशन यानी कि अगर एक हद से ज़्यादा आपके पास सब्सिट जमा हो गए हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि एक ऐसी पोजिशन आएगी कि सारे की सारी एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट हैं वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो जाएंगी फिर आप जितना मर्जी सब्सैट कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करें आपका जो रेट ऑफ केमिकल बायो रिएक्शन है वो इंक्रीज़ नहीं होगा जैसे कि स्टूडेंट्स आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर आपके पास मैक्सिमम है रेट ऑफ रिएक्शन उसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो ग्राफ है वो इंडिपेंडेंट हो गया टू दैट ऑफ सब्सट्रेट कंसनट्रेशन यानी कि फ्लैट हो गया देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट फैक्टर को डिस्कस करते हैं जो कि है पी एच स्टूडेंट्स हर एंजाइम की अपनी नेचर होती है रिएक्ट करने की या केमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करने की कुछ स्टूडेंट्स एंजाइमेटिक रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि एसिडिक मीडियम में हो रहे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बेसिक मीडियम में हो रहे होते हैं यानी कि यहाँ पे हम चलते हैं एंजाइम स्पेसिफिक के अकॉर्डिंगली यानी कि एंजाइम स्पेसिफिसिटी डिपेंड कर रही होती है पी एच पर अब स्टूडेंट्स अगर देखा जाए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पेप्सिन है पेप्सिन स्टूडेंट्स हमारे स्टोमिक में होता है और ये बेस्ट वर्क कर रहा होता है टू पी एच पर यानी कि एसिडिक मीडियम में हमारे स्टोमिक में जब तक एसिडिक मीडियम मेनटेन्ड है यानी कि पी एच एसिडिक मैंटेंड है ये अपना बेस्ट काम करेगा लेकिन स्टूडेंट्स अगर इससे पी एच ज़्यादा हो जाता है या अगर इससे पी एच कम हो जाता है तो आपके पास जो पेप्सिन है क्योंकि प्रोटीन है इन नेचर तो ये डी नेचर हो जाएगा इसी तरह स्टूडेंट्स यानी कि डी नेचर होने का मतलब ये कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रप्ट हो जाएगा देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है ट्रिप्सिन अब स्टूडेंट्स जो ट्रिप्सिन है आपके पास वो 7.9 पॉइंट पे काम करता है इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन और ये उसका बेस्ट ऑप्टिमम पी होता है जिसपे इसकी एक्टिविटी बेस्ट होती है अब अगर पी इससे ज़्यादा होता है या कम होता है तो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा इसके प्रोटीन स्ट्रक्चर को जो एट दी एंड इसको डी कर देगा जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने ग्राफ में भी देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्टिमम पी पे जैसे कि ट्रिप्सन का एट है तो मैक्सिमम एक्टिविटी है यानी कि उस पर आपकी पीक है बाद में उसके बाद अगर पीएच ज़्यादा करते, है, करते हैं इंक्रीज़ करते हैं हम तो आपका जो प्रोटीन है प्रोटीन स्ट्रक्चर वो डी नेचर हो जाता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है देन स्टूडेंट्स हम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं इन्हीबिशन ऑफ एंजाइम स्टूडेंट्स याद रखिएगा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं यानी कि एंजाइम को फर्दर रिएक्शन कैटेलाइज करने से रोकते हैं स्टूडेंट्स आपके पास आपको अच्छी तरह पता है कि जैसे ये एक एंजाइम है तो ये सॉफ्टवेयर से रिएक्ट करेगा तो एंजाइम सब्सटेट कॉम्प्लेक्स बनेगा अगर ये सबस्टेट की जगह किसी और से रिएक्ट करेगा तो एंजाइम सब्सटेट कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स ये होगा कि आपके पास एंड प्रोडक्ट जनरेट नहीं होगी जिसकी वजह से आपके जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएंगे एज अ रिजल्ट आपकी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी तो स्टूडेंट्स अ अमोलिक्यूल दैट बाइंड विद एन एनजाइम एंड डिक्रीजेज इट्स एक्टिविटीज़ नॉन एज एंजाइम इन्हेबिटर एंड इस फोनिना को हम कहते हैं एनजाइम इन्हीबिशन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर सब्स्टेट के अलावा कोई और मॉलिक्यूल कनेक्ट हो रहा है या सबस्टेट कम्पलेक्स बना रहा है विद डैट ऑफ एनजाइम तो स्टूडेंट्स उसको हम कहेंगे इनहिबिटर वो ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो कि उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करेगा या उसकी एक्टिविटी को स्टॉप करेगा तो स्टूडेंट्स ऐसे हम मॉलिक्यूल को बोलेंगे ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे इनहिबिटर स्टूडेंट्स आपके पास जो इनहिबिशन का प्रोसेस है ये दो तरह का हो सकता है एक होती है आपके पास इरिवर्सिबल इनहिबिशन एक होती है रिवर्सिबल इनहिबिशन स्टूडेंट्स सबसे पहले डिफाइन करते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिशन को स्टूडेंट्स इरिवर्सिबल इनहिबिशन वो इनहिबिशन है जिसके बाद आपका मॉलिक्यूल दोबारा से आपका एंजाइम दोबारा से रिएक्शन कैटेलाइज नहीं कर सकता यानी कि वो किसी और मॉलिक्यूल से ऐसे कनेक्ट हो जाता है कि उसकी एक्टिव साइट दोबारा रिएक्टेंट ऑक्यूपाई नहीं कर सकता जबकि स्टूडेंट्स बिल्कुल इसके ऑपोजिट रिवर्सबल इनहिबिशन है कि रिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या होता है कि वो ऐसी इनहिबिशन है कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल आता है जो कि रिवर्स बैक भी हो सकता है टू तो एड्स ऑरिजिनल कंफॉर्मेशन यानी कि वो जगह दे सकता है सबस्टेट को सो दैट सबस्टेट और रिएक्टेंट कैन रिएक्ट बैक टू एन्जाइम और फर्दर अपने रिएक्शन कैटेलाइज कर सके स्टूडेंट्स आपके सामने एक डायग्रामेटिक एक्सट्रेट

यानी कि एक्टिव साइट को एक तरह से फूल करता है जाके कनेक्ट करता है इसको हम कहते हैं इनहिबिटर उसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट सबस्ट्रेट से मिलता जुलता होता है इसीलिए वो एक्टिव साइट ऑक्यूपाई कर लेता है वो बनाता है इन्जाइम इन्हेबिटर कॉम्प्लेक्स और उसके बाद वो सबस्ट्रेट को या रिएक्टर को दोबारा रिएक्ट नहीं करने देता क्यों क्योंकि उसकी एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड होती है आगे स्टूडेंट्स हम एक डिफरेंस देख लेते हैं ब्रीफ सा कि कम्पेटिटिव इन्हेबिटर और नॉन कम्पैटिव इन्हीबिशन क्या होती है यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो रिवर्सिबल इनहिबिशन है उसकी दो टाइप्स हैं एक है कम्पैटिव इनहिबिशन एक है नॉन कम्पैटिव इनहिबिशन स्टूडेंट्स कम्पैटिव इनहिबिशन वो इनहिबिशन होती है जिसमें आपका जो सबस्टेट होता है वो इनहिबिटर के साथ कंपटीशन में होता है इनहिबिटर के साथ कंपटीशन में होता है यानी कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि इनहिबिटर से ऑक्यूपाइड होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो दैट ऑफ सबस्ट से ऑक्यूपाइड होते हैं यानी कि आपका जो रिएक्शन है काफ़ी हद तक स्टॉप हुआ हुआ होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हुई होती है स्टूडेंट्स इस केस में आप देख सकते हैं कि आपका जो इनहिबिटर होता है वो बिल्कुल सबस्टेट जैसा है इस वजह से वो एक्टिव साइड पर अटैच हो जाता है स्टूडेंट्स नॉन कम्पटिटिव इनहिबिटर की केस में क्या होता है के इनहिबिटर कुछ ऐसा होता है जो कि एक्टिव साइट पे अटैच नहीं होता इट अटैचेस टू द एक्टिव टू द पोजिशन टू द प्लेस एट एंजाइम अर्दर दैन डैट ऑफ एक्टिव साइड यानी कि जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है यानी कि एज आ रिजल्ट स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे सबस्टेट कनेक्ट होता भी है तो रिएक्शन फर्दर कैटलाइज नहीं होगा स्टूडेंट्स ये दोनों तरह की जो इनहिबिशन है ये रिवर्सिबल होती है यानी कि अगर आप सबस्टेट कंसनट्रेशन बढ़ा दें तो आपके पास ये चीज़ जो है वो रिवर्सिबल हो सकती है देन स्टूडेंट्स अब हम ग्राफ से कंपेयर करेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन में और कंपेटेटिव व नॉन कम्पटेटिव इन्हेबिशन की केस में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज हो रहा है विद पैसेज ऑफ टाइम तो स्टूडेंट्स अब मैं ग्राफ नंबर वन रही करी यहाँ पे स्लोप आपके पास मैक्सिमम आ रही है वो उस केस में आ रही है जब नॉर्मल कंडीशंस है यानी कि आपके पास एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है यानी कि नॉर्मल आपके पास रिएक्शन हो रहा है एंजाइमेटिक देन स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कम्पैटेटिव इनहिबिशन की कम्पैटेटिव इनहिबिशन की बात की तो यहाँ पर आपकी जो स्लोप है वो थोड़ी सी स्टीप हो गई देन स्टूडेंट्स लास्ट हम लास्ट हम बात करते हैं नॉन कम्पेटेटिव इनहिबिशन की जिसमें आपके पास जो सबस्ट्रेट है वो एट प्लेस अदर देन दैट ऑफ एक्टिव साइट अटैच होता है और एक्टिविटी खराब करता है यानी कि आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वो इन द केस ऑफ नॉन कम्पेटेटिव इनहिबिशन होता है यानी कि सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है नॉन कम्पेटेटिव इनहिबिशन उसके बाद इनहिबिशन देन स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं वन बाई वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम तो स्टूडेंट्स हम इनको फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हम रिविंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन की ही केस में एंजाइम्स को यूज़ करते हैं ताकि वो ब्रेक डाउन करें कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर वंस में दैन स्टूडेंट्स हम पेपर इंडस्ट्रीज में एंजाइम्स को इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं ताकि जो आपके पास स्टार्च या सेलोर्स कॉम्प्लेक्सेज हैं वो क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्कस होते हैं उनको लेस विस्कस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसे एन्जाइम्स यूज़ करते हैं जिनको ब्रेक डाउन करते हैं इन दैट ऑफ सिम्पलर मॉलिक्यूल्स ताकि विस्कास्टी कम हो सके दैन स्टूडेंट्स बायलॉजिकल डिटर्जेंट्स बायलॉजिकल डिटर्जेंट्स में स्टूडेंट्स आपके पास जो प्रोटीज एनजाइम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं कि अगर आपके आपके किसी फैब्रिक के ऊपर प्रोटीन्स स्टेन आ गया तो उसके रिमूवल के लिए आप ऐसा डिटर्जेंट यूज कर सकते हैं दैट हैज प्रोटीस एनजाइमिनट यानी कि वो आपके पास जो प्रोटीन है उसको ब्रेक कर देगा उसकी ब्रेकेज हो जाएगी उसका हाइड्रोसिस हो जाएगा एज ए रिजल्ट वो स्टेन रिमूव हो जाएगा देन स्टूडेंट्स आप डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे होते हैं एम को इसी तरह स्टूडेंट्स आप यूज़ कर रहे होते हैं स्टार्च इंडस्ट्री में आप लाइपेज को यूज़ कर रहे होते हैं उसके अलावा स्टूडेंट्स बायोफ्यूल इंडस्ट्री के अंदर आप कैटाइजेस को यूज कर रहे होते हैं सेलुलेजेस को यूज कर रहे होते हैं कॉन्टैक्ट लेंस क्लीनर्स के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो जेलेटिन की लेयर को रिमूव करने के लिए आप यूज कर रहे होते हैं प्रोटीएज को जेलेटिन स्टूडेंट्स आपके पास प्रोटीन है तो आप प्रोटीएज को यूज कर रहे होते हैं ताकि वो जेलेटिन की जो लेयर है उसको रिमूव कर सके उसको ब्रेक डाउन कर सके उसके अलावा स्टूडेंट्स फोटोग्राफी की इंडस्ट्री में उसके बाद उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास लेटेक्स इंडस्ट्री में रबर इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स लेटेक्स को फॉर्म लेदर में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके अलावा स्टूडेंट्स एट दी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर इसकी वास्ट एप्लीकेशन हैं क्योंकि आप इसको डिस्कस कर रहे होते हैं स्टडी कर रहे होते हैं रिसर्च एरिया क्लास के अंदर डी एन लाइगेस को डिस्कस कर रहे होते हैं उसके अलावा स्टूडेंट्स आप डी एन ट्रांसक्रिप्शन इनके जितने भी जेनेटिक्स के आप जितने भी प्रॉब्लम्स वो देख रहे होते हैं या इनके ऊपर जितनी भी रिसर्चेज हो रही होती हैं वो मोलिकूलर बायोलॉजी की फील्ड में हो रही होती है इसलिए आप वहाँ पर मुख्त स्टडीज़ कंडक्ट कराने के लिए एनजाइम्स को यूज़ कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स ये तो हमने डिस्कस किए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स वन बाय वन हमने डिस्कस किया सबसे पहले कि एंजाइम्स क्या होते हैं हमने इनहिबिशन को डिस्कस किया हमने मॉडल्स डिस्कस किए आगे चलते हैं डिस्कस करते हैं लिपिड्स को वन बाय वन थैंक यू